और अब एक हैरान कर देने वाली खबर, जिंदा बेटी का पिंडदान। बदलते पारिवारिक रिश्तों पर एक हैरान कर देने वाली खबर। मतलब क्या कोई परिवार अपनी जिंदा बेटी का पिंड, मतलब आप सोचिए, पिंडदान कर सकता है जिंदा बेटी का? सुनने में सवाल शायद अजीब लगे, लेकिन ये कोई टीवी सीरियल की कहानी नहीं है, बल्कि जबलपुर के दुबे परिवार की सच्चाई है। हुआ ये कि जबलपुर की अनामिका दुबे ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर मोहम्मद अयाज के साथ निकाह कर लिया। अनामिका ने अयाज के साथ निकाह कर लिया परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर। शादी के बाद अनामिका दुबे से वो उज्मा फातिमा बन गई। अनामिका फातिमा बन गई। अब परिवार अपनी बेटी के इस फैसले से नाराज होकर बेटी का पिंडदान परिवार ने कर दिया। देखिए, वैसे तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार पिंडदान मृत्यु के बाद आत्मा की मोक्ष के लिए किया जाता है, लेकिन बेटी के जिंदा होते हुए उसे मृत मानते हुए उसका शोक संदेश कार्ड छपवाया गया। ये शोक संदेश कार्ड, उसमें लिखा गया कुपुत्री अनामिका दुबे। परिवार वाले इतना नाराज हुए कि अनामिका ने अयाज के साथ वो गई और वो फातिमा बन गई, ये खबर। उसके बाद शोक संदेश कार्ड छपवाया गया, फिर पूरे विधि विधान के साथ पिंडदान करना। ये वाकई चौंकाने वाली बात है। मतलब आखिर क्यों जबलपुर के दुबे परिवार ने अपनी जिस बेटी का, मतलब वो कह भी रहे, परिवार भी कह रहे हैं कि कन्यादान करना चाहिए था, उसके जिंदा रहते हुए पिंडदान कर दिया गया। दरअसल ये पूरी कहानी ना ठीक दो हफ्ते पहले 2 जून से शुरू होती है, जब दुबे परिवार की बेटी अनामिका अपने परिवार को बिना बताए घर छोड़कर चली गई। जिंदा बेटी का पिंडदान कैसे हुआ, क्यों हुआ, पूरी कहानी सुनिए। वो बिना बताए घर छोड़कर चली गई, फिर अनामिका दुबे से वो उज्मा फातिमा बन गई, वो कन्वर्ट हुई और अयाज नाम के मुस्लिम युवक से उन्होंने शादी कर ली अनामिका ने। मतलब आपने ये तो जरूर सुना होगा कि परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करने पर परिवार अपनी बेटी या बेटे के साथ रिश्ता खत्म कर लेते हैं। ये सब तो हमने कई बार सुना है, लेकिन उनसे बातचीत भी बंद चलिए कर देते हैं। ज्यादातर मामलों में परिवार इस तरह की बात को समाज से छुपाना भी चाहते हैं। लेकिन बेटी कन्वर्ट हुई, अनामिका फातिमा बनी, अयाज से भागकर शादी कर ली परिवार को बिना बताए, लेकिन अपनी बेटी के कदम से परिवार इस कदर नाराज हो गया। ये देखिए आप, उन्होंने अपनी बेटी के पिंडदान को सार्वजनिक करने का फैसला कर लिया। परिवार ने अपनी जिंदा बेटी को मृत मानते हुए अपनी बेटी के निधन का शोक संदेश छपवाकर बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि अनामिका का इस तारीख को, मतलब ये लिखा गया कि निधन हो गया, वो सारी चीजें अनामिका दुबे और लोगों को बुलवाया गया, पूरे विधि विधान के साथ ये सब कुछ हुआ। जिंदा बेटी शोक संदेश में बेटी के पिंडदान और मृत्यु भोज के कार्यक्रम की भी जानकारी दी गई और लोगों को इसमें शामिल होने का न्योता दिया गया। हैरान कर देने वाला मामला। फिर तय कार्यक्रम के मुताबिक परिवार ने पूरे विधि विधान से नर्मदा नदी के किनारे बेटी अनामिका, या कह लीजिए अब फातिमा, अनामिका का पिंडदान भी कर दिया। सवाल यह कि आखिर जिस परिवार को अपनी बेटी का कन्यादान मतलब करना चाहिए, उन्हें अपनी जिंदा बेटी का पिंडदान क्यों करना पड़ा? आखिर उस परिवार ने पूरे समाज के सामने सार्वजनिक तौर पर अपनी जिंदा बेटी के मृत होने का ऐलान क्यों किया? परिवार की दलील है कि उनकी बेटी ने उन्हें धोखा दे दिया। परिवार कह रहा है कि धोखा दे दिया, उनकी बेटी ने उन्हें अंधेरे में रखकर बगैर उन्हें बताए अपना धर्म परिवर्तन करा लिया। अनामिका दुबे से फातिमा बन गई और मोहम्मद अयाज के साथ निकाह कर लिया। दुबे परिवार को अपनी बेटी के धर्म बदलने और मुस्लिम युवक से शादी करने की खबर भी तब मिली जब उनकी बेटी की शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अपनी बेटी के इस कदम से परिवार इतना नाराज हो गया, बेटी के साथ सारे रिश्ते खत्म करने का फैसला किया और पिंडदान कर दिया। परिवार का कहना है कि अब वो अपनी बेटी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, इसलिए पिंडदान करके उन्होंने यही बताने की कोशिश की है। जिस बेटी ने हम लोग के घर की इज्जत नहीं रखी, तो उस बेटी का हम लोग क्या करेंगे, है ना? जिसने अपने पापा की माँ की इज्जत नहीं रखी परिवार की, इसलिए सब सोच कर हम लोग नहीं, कि हम लोग को नहीं पता था 2 तारीख को जब घर से गई, उसके बाद ही जब ये कार्ड वायरल हुआ तो उसको तो अब हमने त्याग दिया, तो अब हमारी 2 बेटी 1 बेटा है। पिंडदान हम लोग ने कर दिया है, सोचा था तो कन्यादान करने का, लेकिन आज ये नौबत आ गई कि हम लोग को पिंडदान करना पड़ा। तो मैंने अपने मम्मी पापा को देखते हुए और सारी जो रीति रिवाज होते हैं, सारे रीति रिवाज से पिंडदान कर दिया हमारी बहन का।
उन्हें मुस्लिम लड़के से शादी की थी भाग के, और फिर उसके बाद जो भी हुआ सब मीडिया में सभी डल चुका है वैसे तो, और अब जो भी होगा अच्छा ही होगा आगे, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, बाकी सब तो अब हम लोग ने कर दिया, अब हमारे लिए वो नहीं रही इस दुनिया में। अब देखिए, दूसरे धर्म के युवक से विवाह करने वाली बेटी को मरा हुआ मान लेने वाले परिवार की कहानी आपने सुनी।